पेयजल की समस्या को लेकर ग्रामीणों का एक बार फिर से गुस्सा फूट पड़ा है। तस्वीरें हल्द्वानी के दमू आड़ूगा इलाके की हैं, जहां ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि यहां पेयजल किल्लत को दूर करने के लिए 6 इंच की पेयजल लाइन डाली जानी थी, लेकिन यह 4 इंच की पाइपलाइन डालकर खानापूर्ति कर दी गई है। ग्रामीणों के विरोध के कुछ दिन पहले पेयजल संस्थान ने 1 किलोमीटर तक के 6 इंची पाइपलाइन डाली, लेकिन उसके बाद 4 इंच की पाइपलाइन डाली जा रही है, जो वहां के पेयजल सप्लाई के लिए पर्याप्त तो नहीं है। इसके अलावा ग्रामीणों ने ठेकेदार पर काम में लापरवाही बरतने का आरोप लगाते हुए कहा कि पाइपलाइन डालने को लेकर पूरी रोड खोद डाली है, जिससे रोज दुर्घटनाएं हो रही हैं, पूरी सड़कें तालाब बन रही हैं। पूरे मामले की शिकायत अधिकारियों से भी की गई है, लेकिन अधिकारी चुप्पी साधे बैठे हुए हैं। हल्द्वानी से दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। देखिए, ये जल संस्थान की बहुत बड़ी लापरवाही है, उनके अधिकारियों की बहुत बड़ी लापरवाही है। पिछले वर्ष भी चंबलपुर पे आपको भी पता है कि इसका विरोध हुआ था, वहाँ पर 6 इंच की लाइन पड़नी थी, 4 इंच की डाली, वहाँ के लोगों ने, स्थानीय लोगों ने विरोध करा, तो 6 इंच की लाइन वहाँ से लेके 1 किलोमीटर तक डाली उन्होंने, उसके बाद 4 इंच की लाइन डाल दी गई। और इसमें बहुत बड़ी मिलीभगत है, घोटाला भी हो सकता है। कल स्थानीय लोगों ने मुझे मौके पर बुलाया तो इसकी जाँच पड़ताल की गई। इसमें ऐसा है कि पहले वहाँ पर एक 12 इंच की AC की पाइपलाइन पुरानी पड़ी हुई थी और सारे लोग के कनेक्शन उसी 12 इंच की पाइपलाइन से थे। अभी वहाँ नहर कवर करके चौड़ा करने का था, तो उसमें वो पाइपलाइन शिफ्ट करने की बात आ रही थी, क्योंकि वो पाइपलाइन जो 12 इंच सीमेंट की है वो लगभग 35 से 40 साल पुरानी है, तो उसकी लाइफ ऑलमोस्ट पूरी हो चुकी थी। तो उसकी जगह हम लोगों ने 12 इंची की एक नई पाइपलाइन MSC डाली है सड़क के बीच में से। लेकिन पहले लोगों का कनेक्शन जो था वो उस 12 इंच की पाइप से था, तो जब उस पर हैवी लोड चलता था तो लोगों का कनेक्शन टूटते थे।